नमस्कार दर्शकों, ग्रहों के राजकुमार और बुद्धि विद्या लेकिन शक्ति के कारक बुध तुला राशि में कार्तिक कृष्ण तीज 3 नवंबर को रात 11:20 पर मार्गी हो रहे हैं। इससे पूर्व बुध 14 अक्टूबर को तुला राशि में ही वक्री हुए थे। 21 दिन वक्री चाल चलने के बाद 3 नवंबर को मार्गी होंगे। कई राशियों के लिए उतार चढ़ाव वाला समय होगा। इससे पहले बुध ने कन्या राशि से तुला राशि में 22 सितंबर को प्रवेश किया था। अब इसी राशि में ही मार्गी होंगे। कामकाज में आएगी तेजी। जी हां दर्शकों, कुंडली विशेषज्ञ की अगर माने तो बुध के मार्गी होने के कारण सभी राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। धन आगमन का मार्ग खुलेगा और रुपए पैसे की आवक बढ़ेगी। व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा। कामकाजों में तेजी आएगी। लोगों को बुद्धि की वजह से फायदा होगा। राजनीति में बुद्धिमान लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा। सरकारी नौकरियां करने वाले लोगों को फायदा होगा। धैर्य और संयम में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। बुध व का बकरी और मार्गी होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव बिजनेस पर पड़ता है। बकरी बुध के समय में बिजनेस में मंदी रहती है, यानी हानि उठानी पड़ती है और कर्ज लेकर व्यापार चलाना पड़ता है। लेकिन बुध के मार्गी होते ही परेशानी दूर हो जाती है। बिजनेस में तरक्की होने लगती है और धन का आगमन सुचारू रूप से जारी हो जाता है। ज्योतिष आचार्यों की माने तो किसी भी राशि में ग्रह का वक्री और मार्गी होना जातक के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव पैदा करता है। हालांकि कुंडली में स्थित अनुसार ये लाभप्रद भी होता है। बुध के खराब परिणाम में फैसले लेने की क्षमता ना होना, सिरदर्द, त्वचा आदि के रोग हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है तो आपको वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क में अधिक लाभ मिलता है। राशि जातकों पर ये होगा असर। जी हाँ दर्शकों, मेष पराक्रम में वृद्धि का सकारात्मक एवं सफल प्रयोग हो सकेगा। वृष राशि धन को लेकर थोड़े तनाव के साथ प्रगति होगी। वाणी में संयम रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि की बात की जाए तो स्वास्थ्य, सुख, विद्या में बुद्धि, संतान के पक्ष में संतान प्रगति संभव है। कर्क राशि की अगर बात की जाए तो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। ग्रह व वाहन संबंधित खर्च पर संभव है। दिन संपत्ता कार्यों में तो दशकों में आपको बता दूं कि सिंह राशि की अगर बात की जाए तो धन संबंधित कार्यों में आपका अवरोध के साथ सफलता मिलने की संभावना है। कन्या राशि की बात की जाए तो परिवार में नया कार्य, व्यापार में विस्तार, वाणी व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। तुला राशि की अगर बात की जाए तो कार्यक्षमता के बल पर कार्य या कार्यों में विस्तार कर सकते हैं, लेकिन बेशक व्यय में अधिकता, आंतरिक रोग, ऋण एवं शत्रु के प्रति सावधान रहें। धनु जीवन साथी के सहयोग और सानिध्य के प्रति रहे सजग। कुंभ भाग्य का साथ और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ और रोजगार और अत्राधिकारियों को सहयोग मिलेगा। मीन व्यापार से जुड़ी लोगों को जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रति सजग रहें। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट 9 स्पीचों से रजत की रिपोर्ट।